इसराइल फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। नौवें दिन भी युद्ध जारी है। इसराइल फिलिस्तीन के बीच बमों और मिसाइलों की बौछारें दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। साथ ही उत्तरी इसराइल लेबनान सीमा पर दोनों देशों के सेनाओं के तरफ से गोलीबारी जारी है। तो वही उत्तरी इसराइल लेबनान सीमा के पास 10 साल से बसे भारत के राजस्थान से थाली रेस्टोरेंट के मालिक कालू बाबा है, जो इजरायली सेना और जरूरतमंदों को खाना प्रोवाइड करने का दावा करते हैं। साथ ही उन्होंने उत्तरी इजरायली और लेबनान सीमा पर ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी और क्या कुछ कहा सुनिए। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है इजरायली विलेजेस हैं। इसके बाद में जो आपको ये पहाड़ी दिख रहा है, ये पहाड़ी पूरा लेबनान है। वो लेबनान की विलेज है वहाँ, जिसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। वो विलेज है, अभी थोड़ा बारिश होने की वजह से जूम नहीं मिलेगा। बाकी ये जो पूरा पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी लेबनान है। इसके बाद में आगे जाएंगे तो वो जॉर्डन आएगा। जॉर्डन के बाद में सीरिया, सबका ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है पूरा। और इसराइल के चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज है। इधर आप देख रहे हैं कि लेबनान, ये पूरा लेबनान का है, पूरा लेबनान का बॉर्डर है ये। और इधर ये सूर्या का है, आगे जॉर्डन का है। और ये आप मेरे सामने इनके जो आखिरी गांव हैं ये देख सकते हैं आप। और इन गांवों को भी अभी तक वार्निंग दी जा चुकी है और खाली कराया जा चुका है। इनमें अभी कोई भी फैमिली वगैरह, कोई भी आदमी वगैरह नहीं रह रहे हैं। कालू जी, कल से यहाँ पे लेबनान और इसराइल के इस बॉर्डर एरिया में कल से मिसाइल अटैक शुरू हुआ है। हाँ जी। तो अभी और आज भी एक गांव में फायरिंग हुआ है, जिसमें एक सिटीजन का मौत हो चुका है और तीनों अभी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, क्या हालत है अभी इस लेबनान और इसराइल के बॉर्डर इलाकों में? हालात तो बहुत सही नहीं है, मतलब इसको सही नहीं कह सकते आप। लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, और क्योंकि अभी जो ये जो गाजा का जो साउथ इसराइल में जो मैटर हुआ है, तो पूरी मतलब सेना वहाँ पे लगी हुई है। और जो यहाँ पे लेबनान है, वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर और ऑन द सेम टाइम वो भी मतलब कुछ ना कुछ करने की सोच रही है। लेकिन मैं आपको सभी को, दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसराइल की पूरी डिफेंस टीम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोला था, यहाँ पे पूरी तैयारी है। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये टैंकर वगैरह सब दिखेंगे आपको। पूरा विलेज सोल्जर से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे पीछे आप देख रहे हो, ये मैं जो टाउन में रहता हूँ उस टाइम की आखिरी बॉर्डर है। इसके बाद में इजरायली विलेजेस हैं और उसके बाद में वो लेबनान आ गया। तो बहुत ही डर का माहौल है। ऐसी बात नहीं है कि लोग डरे हुए नहीं है, लोग डरे हुए हैं, लोग डर जाए। हम लोग एक गांव में खड़े हैं अभी, हम आते हुए देख रहे थे कि घर के बहुत सारे घर है, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। जो फैमिलीज थी वो यहाँ से जा चुकी है। कोई भी आज के टाइम में मतलब ऐसे डर के माहौल में नहीं रहना चाहेगा। बाकी गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे वार्निंग दी थी कि कभी भी यहाँ पे हमला हो सकता है, तो जिसको को भी सेफ जगह जाना है वो अपना सेफ जगह जा सकते हैं। तो कालू जी, अभी थोड़ा बादल हटा है वहाँ से। हाँ जी। तो अगर हम हमारे दर्शक के लिए और एक बार दिखाए कि कौन सा इसराइल है और कौन सा लेबनान है। ये देखिए, ये जो आप नीचे जो सारे विलेजेस वगैरह देख रहे हैं, ये सब इसराइली विलेजेस हैं। इसके बाद में आपको दिखेगा एक सेकेंड पहाड़ी जो क्लीन हो चुका है, येलो है। और उसके बाद में आपको वहाँ पे जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे हल्के हल्के मकान दिख रहे, जूम करके दिखाएंगे तो वाइट वाइट से, वहाँ पे आपको लेबनान है। ये लेबनान की विलेज है। तो मतलब ये बहुत ही बॉर्डर का फासला तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के बीच में है, तो ये बहुत ही क्लोज मामला है। कालो जी, आप इंडियन हो, आप पुष्कर से हो। हाँ जी। तो आपको कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? आप कैसे फील कर रहे हो अभी? अभी तो देखिए, हम यहाँ पे ही रहते हैं, मेरा मकान भी यहीं पे है और मेरा बिजनेस भी यहीं पे है, और 10 साल हो गए, और थोड़ा डर का माहौल है, लेकिन हम यहीं पे हैं क्योंकि और दूसरी फैमिलीज भी है यहीं पे। और मैं अभी इसी टाइम में मतलब मेरे घर पे ही तकरीबन 40-50 और 100 आदमी 150 आदमी जितना भी हो सकता है मेरे से खाना बना के, इंडियन खाना बना के, वेजिटेरियन खाना बना के इनको सोल्जर को सर्व कर रहे हैं अभी।
और अब इजरायली जो फौज है, इजरायली फौज के जो 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 सोल्जर्स है उनके लिए खाना बना के आप भेज रहे हो? हाँ जी। तो क्या, क्या 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 खाना बना रहे हो आप? हम उनके लिए थाली बना रहे हैं। थाली में हमारा रेस्टोरेंट का नाम भी थाली है, और दाल है, चावल है, मिक्स वेज है, आलू गोभी है, राइस है, और वो बना के हम सबको यहाँ पे दे रहे हैं। वेजिटेरियन और जो वीगन सोल्जर्स है सब खा सके और सबको खाना मिल सके। और ये आज 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हमने यहाँ बहुत नाम कमाया है। हमने यहाँ बिजनेस भी हमारा यही है, मकान भी यही है, सब कुछ है, सब कुछ मिला है। तो आज इस दुख की घड़ी में हम भी इज़राइल के साथ खड़े हैं और जो हमसे हो सकता है हमसे अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शांति हो, जल्दी से जल्दी ये जो माहौल, जो डर का माहौल बना हुआ है, इससे हमें छुटकारा मिले। और बाकी जो रेगुलर जैसा टाइम चलता था इज़राइल में, वो टाइम हमारा कम बैक हो जाए जितना जल्दी हो सके। कालो जी, अभी आज रविवार है, कल शनिवार था। हाँ जी। शनिवार हिजबुल्ला जो मिलिटेंट्स है उन्होंने रॉकेट हमला चलाया इज़राइल के ऊपर। रात को IDF ने ये भी बताया कि इज़राइल से भी कुछ मिसाइल अटैक हुए थे। हाँ जी। तो ये पूरा इलाका इज़राइल, लेबनन, जॉर्डन, इन तीनों देशों से घिरा हुआ है। हाँ जी। सो अगर यहाँ पे भी हमला शुरू हो जाए, साउथ में ऑलरेडी हो रहा है, इज़राइल में ऑलरेडी हो रहा है, अभी हाँ ये नॉर्थ में भी अगर फुल फ्लेज्ड हमला हो जाए तो कितना मुश्किल होगा इज़राइल के लिए? मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, क्योंकि जो बाइडेन अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी वही बात बोली थी, जो अभी गाजा का जो अटैक है और इज़राइल का जो अटैक है, ये टेररिस्ट अटैक था। उस टेररिस्ट अटैक को बैकअप देना बहुत ज़रूरी था इज़राइल के लिए और सबके लिए ज़रूरी है। आतंकवाद आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और उसी को ख़त्म करने के लिए आज इज़राइल वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर इसका फ़ायदा उठाकर अगर ये मुस्लिम कंट्री, जो दूसरी कंट्री है, लेबनान है और हिजबुल्ला है, अगर ये आते हैं तो अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे तरीके समझाया है, कोई भी अगर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए मेरी एक ही राय है, डोंट। और यहाँ पे जो इजरायली आर्मी है वो फुल प्रेशर में तैयार खड़ी है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं रोज़ सोता हूँ यहाँ पे, रोज़ बहुत प्लेन जाते हैं, बहुत आवाज़ आती है, बहुत शोर होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी सेना लगी हुई है, बहुत सोल्जर यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे टैंक आ चुके हैं, यहाँ पे अमेरिकन टैंक आ चुके हैं, यहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हो चुके हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, युद्ध होगा तो यहाँ से भी पूरी तैयारी है, मैं आपको ये पक्का वादा करना चाहता हूँ। इज़राइल के आर्मी को आप खाना भेज रहे हो? हाँ जी। आप उनके लिए, इज़राइली आर्मी के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैं इज़राइली आर्मी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम आपके लिए तैयार हैं। एक दूसरे के साथ से ही ये जंग जीती जा सकती है। और मैं सभी इज़राइली सोल्जर को सैल्यूट करता हूँ जो अपना वेकेशन छोड़ के, कोई थाईलैंड में था, कोई पुर्तगाल में था, कोई मेक्सिको में था, कोई इंडिया में था, सब वहाँ से छोड़ के ऑन द रेड अलर्ट वो यहाँ पे आज खड़े हैं बॉर्डर पे आके। जिसकी अभी एक दिन पहले शादी हुई थी वो बॉर्डर पे आके खड़ा है।